वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब वंदे साधारण एक्सप्रेस यात्रियों के लिए सेवा में उतरेगी। वंदे भारत सामान्य यात्रियों के लिए एक सुपर फास्ट नॉन एसी एक्सप्रेस है। वंदे अभंडार एक्सप्रेस हाल ही में चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से शुरू होकर मुंबई पहुंची है। फरवरी 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से वंदे भारत ट्रेन को उच्च और मध्यम वर्ग के यात्रियों द्वारा पसंद किया गया है, लेकिन वंदे एक्सप्रेस को समान मानक और सुविधाओं के साथ कम कीमत पर गरीब और आम यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस एक्सप्रेस में आगे और पीछे पुश पुल तकनीक वाले दो इंजन लगाए गए हैं। एक्सप्रेस में 12 स्लीपर नॉन एसी कोच, 8 जनरल कोच और 2 कोच होंगे। श्रमिक वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह ट्रेन 130 प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस ट्रेन में भारत की तरह कई नई और एडवांस आराम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस ट्रेन को खास केसरिया और ग्रे कलर स्कीम दी गई है। फिलहाल इस ट्रेन को विभिन्न परीक्षणों के लिए मुंबई के कसारा घाट लाया गया है। जैसे यह ट्रेन इन इलाकों से गुजरेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घोषणा करेंगे कि यह ट्रेन महत्वपूर्ण शहरों से चलाई जाए। इस बात की प्रबल संभावना है कि यह ट्रेन मुंबई से 2 रूटों पर चलेगी, मुंबई से दिल्ली और मुंबई से पटना। अब जल्द ही भारत के अलग अलग शहरों में स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। इस बात पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर बीजी माल्या ने कहा कि वंदे भारत का स्लीपर वर्जन इसी वित्तीय वर्ष में लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में वंदे मेट्रो भी शुरू कर दी जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।